आज कैसा गया स्कूल? गुड्डू का अंगूर आया, अंगूर चाहिए बेटू को? ले लो अंगूर, ले लो। अरे बाप रे बेटू अंगूर ले लिया। तो तौफीक कैसा गया आज? दो दिन बाद गए स्कूल, थक गया? पर्दा तो छोड़, पर्दा पकड़ने की कौन सी आदत है तेरी? जा जा चेंज कर, नहा लो जाके सीधा जा। पाँच मिनट के चक्कर में ना वो सब चीज लेट हो जाता है। चलो जाओ नहा लो फटाफट, एकदम पसीने पसीने हुआ। टीचर पूछी थी कि कल क्यों नहीं आया? नहीं पूछी? अभी बारिश तो हो रही थी, भीगा नहीं तू आते समय? जैसे अच्छा, घर में घुसने के बाद बारिश हुई। गुड्डू का अंगूर लाया तौफीक? दादा अंगूर दिलाए? तो तौफीक स्कूल से अकेले नहीं आया, उसके अब्बा जाते हैं लाने, लाके उधर रोड क्रॉस करा देते, उसके बाद आ जाता है ना। और तौफीक को अंगूर दिलाए, सब्जी सब भी इसी के हाथ भेज दिए क्योंकि सब्जी सब खत्म हो गया था। अंगूर, ये दुधिया, टमाटर, ये खीरा, ककड़ी, सोआ पालक बोली थी भेजने, तो सोआ पालक भेजे। अभी पालक अच्छा मिलता नहीं है, भिंडी करेला, भिंडी तो सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ बनता है, हद से ज़्यादा भिंडी, भिंडी भिंडी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भिंडी बनता है। अब बनेगा फ्राई भिंडी। तो ये बैगन पहले का था फ्रिज में बचा हुआ, तो मैं बोली कि इसी को पहले बना लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाता। अब बैगन पसंद भी है सबसे ज़्यादा मुझे बैगन, पर अगर रोज़ बैगन मिले ना तो मैं रोज बैगन खाऊं। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका तौफीक मम एंड फैमिली ब्लॉग में। तो अभी तो तौसीफ भी कॉलेज से आ गया, तौफीक भी स्कूल से आ गया, सब सो रहे हैं एकदम। तो अभी उठाऊंगी 10 मिनट में क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है, 2:30 बजने आया, 2:20 हो रहा है, और इसके अब्बा का भी खाना भेजना है, तो अभी थोड़ी देर सोने जाती हूँ। तौफीक की 3 बजे की ट्यूशन रहती है, तो उठाऊंगी उसको अभी। मैं सोची वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी बाकी का भी काम सब बाकी है, कपड़ा सब जो धो के डाली थी कल वो सब अभी सूख गया है। अभी जो आयरन में देना है वो आयरन में जाएगा, जो हम लोग का नहीं जाता आयरन में जाता, सिर्फ इसके अब्बा का तौसीफ का जाता है, दो ही लोग का जाता है। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी करेले की भाजी बनाना इसके अब्बा के लिए, तो वो बना रही हूँ। और खाना तो बन गया है, अभी थोड़ा बर्तन है वो धोने का है। अभी जो खाएंगे खाना वो सब निकलेगा तो वो सब धोऊंगी। और कल वीडियो मेरा गया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, एक तो पैर की नस चढ़ी थी वो सही नहीं हो रही थी, उसके बाद इधर पीछे कंधे में भी दर्द हो रहा था, तो ये हाथ ही नहीं उठाया जा रहा था, इसे उठा ही नहीं पा रही थी, और सांस लेने में भी पीछे से दर्द हो रहा था। तो ये बस यही वजह थी कि वीडियो मैं बनाई नहीं, और नहीं कल डाली, तो आज देखती हूँ जो भी कोशिश करूँगी होगा तो डालूँगी। और न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ फिर, और दिखाती हूँ करेले की भाजी मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, प्याज, करेला और नमक बस, इसको बस कच्चा पक्का बना देती हूँ क्योंकि घर में मेरे कोई भी नहीं खाता है करेला, सिर्फ इसके अब्बा खाते हैं, और उनको कच्चा पक्का चाहिए, पूरा पका हुआ करेला नहीं चाहिए। जब मुझे खाना रहता है तो एकदम अच्छे से लाल करके बनाती हूँ, तब थोड़ा मैं खाती हूँ, नहीं तो और कोई बच्चे भी मेरे कोई नहीं खाते करेला। हाँ करेला मेरे पोती को बहुत पसंद है, वो भी खाती है, वो दादा की तरह है, वो भी दादा को पसंद, तो उसको भी बहुत पसंद है, वो भी बहुत शौक से खाती है, और कोई भी बच्चा करेला नहीं खाता। तो ये देखिए कितने आराम से दोनों भाई चादर उधर ओढ़ के सोए हुए हैं, और गुड्डू भी साथ में सोया हुआ है। लेने क्या आया तू?
बुक भूल के गया। वो वाले जो आज था वो खाया, वो उसमें सब कुछ हो गया पढ़ के, तो इसलिए दूसरी बुक खाया। गुड्डू को ला, गुड्डू को लेके जाएगा। आ जा, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय गुड्डू, बाय बाय। ट्यूशन जा रहा है तौफिक, ट्यूशन जा रहा है, बाय बाय। किचे दे दो, उम्मा दे दो, चलो बाय बाय। चलो यहाँ पे बैठो, हाँ आ जाएगा, ट्यूशन से आ जाएगा। गया ट्यूशन, गया तौफिक। हाँ चलो, दरवाजा बंद कर देते हैं ना, आएगा आएगा, अभी आएगा। बुलाओ तौफिक को, बुलाओ गुड्डू। भागता इधर उधर, खाली भागते रहता है। तो यहाँ पे हो गई थी शाम, तो शाम को अभी निखत चाय बना रही है और बोली सेव पूरी खाना है, तो फिर तौसीफ बोल रहा है मुझे दही पूरी खाना है, तो दोनों के लिए सेव पूरी या दही पूरी ली। तो तौफिक बोलता मैं खा के बताता हूँ कैसा है, तो बोला बहुत अच्छा है। तो आज शाम का नाश्ता यही था हम लोग का, अभी चाय पियेंगे। तौफिक बता रहा है तो आज पूरे दिन की यही थी, शाम तक बनाई मैं भी थोड़ी थोड़ी क्लिप लेके बनाई। और आप सबको कैसी वीडियो लगी कमेंट करके बताइए, और फुल वीडियो वॉच किया कीजिए। गुड्डू भी यहाँ पे एकदम परेशान, आ जाओ वीडियो एंड करते हैं। देखो खड़े रहता है, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये कौन है? गुड्डू है। बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, इधर 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 देखो, इधर बाय बाय गुड्डू, बाय बाय। वो बाय बाय करो ना तो दरवाजे के इधर देखने लगता है कि कोई जा तो नहीं रहा है। कोई भी गया तो इतना ज़्यादा चिल्लाता है, इतना ज़्यादा चिल्लाता है कि बता नहीं सकती। मतलब कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, सब इसके आसपास इसको चाहिए, है ना? घर के बाहर कोई नहीं जाए, इसी के आसपास सब रहे। तौफिक कहाँ गया? कहाँ गया तौफिक? अभी तौफिक सोच रहा है कि कहाँ गया तौफिक, कहाँ गया। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।